हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जॉब वैकेंसी व्हिच इज फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो पहले जिस वैकेंसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो आया है आपको शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में इंटरव्यू शेड्यूल फॉर द टेम्पोररी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ऑफ 2021। पोस्ट कोड दिया गया है 521-1-2-521-60। रिवाइज्ड वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल इज एज अंडर, यहाँ पे दिया गया। आप देख सकते हैं कई सारे सब्जेक्ट्स है उसके बारे में दी गई है। सब में नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है, कोड दिया गया है, सबसे पहले डेट दी गई है किस डेट को इंटरव्यू होगा, देन आफ्टर दिया गया है कि पोस्ट कोड नंबर क्या है, फिर नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड कोर्सेज दिए गए हैं, देन आफ्टर टोटल नंबर ऑफ सीट दिए गए हैं। यू कैन सी यहाँ पे लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स है वेयर द वैकेंसी इज ओपन फॉर द पोजिशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। हियर वी टॉक ओनली अबाउट द मास्टर ऑफ सोशल वर्क, यानी कि सोशल वर्क डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं, उस पेज को देखते हैं। तो जो सोशल वर्क में जो इंटरव्यू होगा वो 21/10/2021 यानी कि 21 अक्टूबर 2021 को एट 9:30 AM ऑनवर्ड्स होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है यस एमएसडब्ल्यू के लिए 2 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर में एमएसडब्ल्यू के लिए 2 सीट है। यहाँ पे जसवंत राव चौहान स्कूल ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर एमएसडब्ल्यू के लिए 2 सीट आए हैं और इसका इंटरव्यू 21 को होगा। आप देख सकते हैं यहाँ जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर इसके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब दूसरी वैकेंसी की बात चर्चा करते हैं जो कि आया है आपको सेम असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए, जो कि आया है श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में। और यहाँ पे जो वैकेंसी आई है वो कई तरह की वैकेंसी है। री एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे किया गया है पोजिशन का, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। ये गढ़वाल उत्तराखंड में आता है। श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बदशाही थौल टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में ये पड़ता है। और यहाँ पे बहुत सारे पोजीशन आए हैं फॉर द फैकल्टी पोस्ट। ये एडवर्टाइजमेंट पहले भी आ चुका था, किसी कारणवश कैंसिल हुआ था, तो अभी से री एडवर्टाइजमेंट आया है। ऐसे कैंडिडेट जो पहले अप्लाई किए थे उनको जो उनका फी लगा था वो रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे उनको अपना बैंक डिटेल्स सेंड कर देना है। अभी जो ओपन हुआ है फिर से, तो इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर 2021 है। इसकी कॉपी अलग अलग अथॉरिटीज को फॉरवर्ड की गई है। आप देख सकते हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में फैकल्टी टीचिंग फैकल्टी के लिए पोस्ट आया और ये एडवर्टाइजमेंट 7 अक्टूबर को आया था। आप देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर डिफरेंट नंबर ऑफ पोजिशन आर ओपन इन डिफरेंट कैटेगरीज फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट फॉर द कैंपस ऑफ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी बदशाहीपुर बदशाही थौल तेहरी गढ़वाल। और यहाँ पे उत्तराखंड में है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर तीनों के लिए अलग अलग वैकेंसी दी गई है। सैलरी की बात करें तो प्रोफेसर के लिए यहाँ पे मैट्रिक्स 14 होगा, जिसमें से 1,24,200 से लेके 2,18,200 तक की सैलरी वैली होगी। एंड फॉर एसोसिएट प्रोफेसर इट इज पे मैट्रिक्स दैट इज लेवल 13 है, दैट इज 1,31,400 to 2,70,100 पे मैट्रिक्स होगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पे मैट्रिक्स होगा वो होगा लेवल 10 का, जो कि 57,700 से लेके 1,82,400 तक की जाएगी, वेरी होगी। तो आप देख सकते हैं कॉमर्स फिजिक्स जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होम साइंस एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, साथ ही सोशल वर्क और इकोनॉमिक्स, इतने सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो हम बात करते हैं सोशल वर्क की, तो यहाँ सीरियल नंबर 10 में आपको दिख रहा होगा EWS में एक पोस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर।
एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दो पोस्ट है फॉर यूआर कैटेगरी के लिए, तो टोटल चार वैकेंसी आई है इन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल। लाइक यहाँ पे दिया गया है कि द कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ उत्तराखंड विल ओनली बी कंसिडर्ड अंडर द रिजर्व कैटेगरी, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे क्लेम करते हैं उनका उत्तराखंड का डोमिसाइल होना अनिवार्य है। साथ ही कई सारे वैकेंसी दिए गए हैं, आपको 10th ऑनवार्ड जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं सबका एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, टेस्टिमोनियल और मार्कशीट फ्रॉम द मेट्रिकुलेशन, ये यहाँ पे आपको इंक्लोज करना है। साथ ही आपने अगर कोई पेपर पब्लिश किया है पब्लिकेशन का भी डिटेल देना है। सबको अच्छे से फिलअप करके आपको यूनिवर्सिटी के दिए गए वेबसाइट पे जाके यहाँ पे सेंड कर देना है। अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगानी है। 3 सेट्स ऑफ कंप्लीट फील्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द इनक्लोजर शुड रीच इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी बदसहित हुलपुर हुल तेहरी गढ़वाल झारखंड सॉरी उत्तराखंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट और ऑन बिफोर 15 नवंबर 2021 एट 5 PM। यानी कि आपको 3 सेट कंप्लीट जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका 3 सेट होना चाहिए, साथ ही 1 सेट आपको जितना आपका सर्टिफिकेट है वो सबका एक सेल्फ अटेस्टेड सेट होना चाहिए, जिसको आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेज देना है दिए गए एड्रेस पे, रजिस्ट्रार श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी तेहरी गढ़वाल के नाम पे, जो कि 15 नवंबर से पहले इनके पास पहुंच जाना चाहिए। यहाँ कुछ इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए गए हैं अलग अलग चीज के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री विद 55%, अलोंग विद दिस यू हैव क्वालिफाई एनी नेट सेट एग्जामिनेशन एंड यू और यू हैव पीएचडी एग्जामिनेशन। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, प्रोफेसर के लिए अलग रिक्वायरमेंट है, जैसे कि प्रोफेसर के लिए होना चाहिए पीएचडी होना चाहिए, कम से कम उनका 75 पॉइंट होना चाहिए, स्कोर होना चाहिए रिसर्च में, और इस तरह से प्रोफेसर के लिए वही स्कोर 120 हो जाता है पीएचडी के साथ साथ, और साथ ही वर्क एक्सपीरियंस 10 साल का हो जाता है 10 साल का। तो इस तरह से यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेथड ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर कैलकुलेटिंग एकेडमिक रिसर्च स्कोर कैसे स्कोर कैलकुलेट होगा वो दिया गया है, कि आपका जो रिसर्च पेपर है वो कहाँ पब्लिश हुआ है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, तो इस तरह से टोटल कैलकुलेशन होगा, आप देख सकते हैं। अलग अलग पेपर कितने इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में पब्लिश हुआ उसके हिसाब से भी मार्क्स मिलते हैं, तो ये हुई पूरी बात। साथ ही अगर आप का जो क्राइटेरिया है पहले जो एजुकेशन में आपको कितना परसेंट आया है उसको लेके भी अलग अलग मार्क्स है, लाइक अगर आपको 80% है एवब है तो आपको 15 मार्क्स मिलते हैं इसके। इस तरह से कई सारे क्राइटेरिया आप देख सकते हैं और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और साथ में इसी एडवर्टाइजमेंट में लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको फिर फिलअप करके आप सेंड कर दीजिए। थैंक यू गाइज़।